हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हर साल हम लोग के यहाँ पे दशमी में बोरन कैसे होते हैं। क्योंकि देखो, माँ आई है तो माँ को तो अब एक दिन ना एक दिन जाना ही पड़ेगा अपने घर। तो चलो, यहाँ पे मेरी मासी वेट करी थी यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सोचो मेरी मम्मी का है ना। तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी को एक्चुअली हुए थे पीरियड्स, सो दैट्स वाई ये इस साल वो अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन हर साल मेरी मम्मी अटेंड करती, जैसे पिछले साल जैसे मम्मी अटेंड की थी, तो हर साल मम्मी मासी अटेंड करती है। तो मेरी मासी फर्स्ट होती है जो माँ को बोरन करती है, माँ दुर्गा को पहले बोरन करती है मेरी मासी सबसे पहले, उसके बाद एक 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 करके सब करते हैं। तो यहाँ पे जो ये होते टर्नराउंड सा होता है, 7 times राउंड लेना पड़ता है। तो देखो, राउंड स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस किस को दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कि देखो, जब दुर्गा पूजा आता है ना, उस टाइम लगता है कि नहीं, पूजा आ रहा है। एक तो अलग मस्ती होती है। लेकिन देखो, पूजा आया फिर कब, मतलब हुआ जैसा, कब चला गया समझ में नहीं आया। जैसे कपड़े पहनते पहनते षष्ठी, ये खाते खाते दशमी, कुछ करते ना करते दशमी आ गया कुछ ना, मतलब इतनी जल्दी कैसे पूजा निकल गया समझ में नहीं आया, है ना। आई वाज थिंकिंग लाइक अभी तो आया, इतनी जल्दी चला गया। और ऐसे 20 साल को ज़्यादा ही जल्दी चला गया था। बट कोई ना, अगले साल देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग अगले साल का कुछ जानते हो तो मुझे भी थोड़ा कमेंट करके बताना कि मोहल्ला षष्ठी सप्तमी का डेट क्या है एंड तिथि, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना। तो ये है हम लोग के पैंडल, ठीक है। तो आप लोग सोचिए भाई, एक साइड है एक और साइड क्यों नहीं है, तो उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। एक्चुअली बात ये हुई है कि होता है ना कि कभी कभी लेट हो जाता है, तो ये हर साल का स्टोरी है। ये बिल्कुल भी गौर नहीं करना, क्योंकि हर साल होता है ये वाला, मतलब जी लक्ष्मी और गणेश जी का जो साइड होता है ना, जिस साइड वो उतर के वो लोग ये क्या करते हैं, उसको बोरन करेंगे, तो वो जगह ही नहीं रहता, हर साल का सीन है। तो पता नहीं ये लोग लगता है भूल जाते, नहीं तो लकड़ियों की उनको कमी हो जाती है। तो जो भी हो, तो देखो मेरी दीदी शंख बजाते बजाते थक गई है, तो वो बोली थी पता है यहाँ पे मेरे होठों के यहाँ पे दुख रहा था। आप लोग देखो, अभी मेरे को बताएगी होठों पे यहाँ पे दुख रहा था, बेचारी कितनी थक गई। तो यहाँ पे कंटिन्यू शंख जो होता है बजाना पड़ता है, ढाक बजता है बैकग्राउंड में। हाँ देखो, दीदी भी थक गई है। तो मैं, बहुत दीदी एंड या मेरी बड़ी मासी थी। तो देखो, फाइनली अभी स्टार्ट होने वाला, तो आप लोग देखो यहाँ पे फुल, मतलब यहाँ पे वैसा कुछ एडिट नहीं है, यहाँ पे सब मैंने एकदम डिटेलिंग से शेयर किया क्या है क्या नहीं, कैसे बोरन किया जाता है माँ को। तो सबसे पहले माँ दुर्गा का बोरन होता है, उसके बाद सरस्वती, कार्तिक जी, उसके बाद गणेश जी, लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी, और उसके बाद लास्ट में कोलाबो। तो इस वीडियो में डिटेलिंग है, तो देखते रहो। एंड आप लोग मुझे बताओ कि किस किस के पाड़ा में ऐसा होता है एंड किस किस ने ऐसा, मतलब बोरन का स्टाइल देखा है।
फाइनली अभी टाइम है माता सरस्वती के वर्णन का, तो ऐसे माता सरस्वती, कार्तिक जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी का वर्णन होगा। तो आप लोग बताओ आप लोग के वहाँ पे कौन कौन करता है कौन कौन नहीं, क्योंकि भाई मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का एक और डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने जैसे सुना कि ढाक वगैरह बज रहे थे, तो यहाँ पे एक और डिफरेंट था। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से कुछ सुनाई भी नहीं देता, क्योंकि ढाक का आवाज बहुत ज़्यादा हाई रहता है इस टाइम। तो पता है गाइस, इस साल जैसे बोरोन हम लोग का कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है हम लोग यहाँ पर बोरोन जो होता है ना, वही अराउंड 4-4:30 बजे शाम के टाइम से शुरू हो जाता है। लेकिन मैं इधर देख रही हूँ कि वही 1:30-2 बजे से शुरू हो गया, क्योंकि 7 बजे के अंदर ही विसर्जन होना था। तो मैंने इस दिन जो विसर्जन जिस दिन हुआ था, उस दिन मैंने लाइव वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था कि माँ दुर्गा को कैसे लेके जा रहे थे सब, तो वो लाइव जाके आप लोग मेरे फेसबुक पर अपलोडेड है, जाके देखना। तो ये देखो, ये वाला सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो पान से ऐसे मुँह को ऐसे करते, देखो फिर से कितना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो हाँ, दीदी वो प्लेट वगैरह लेके खड़ी थी और सब एक एक करके जो भी आंटीज थी सब हेल्प कर रही थी मासी की। और